हेलो दोस्तों, वापस एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो है लोली टैंक के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लोली टैंक की बनावट कैसी होती है, कैसे काम करता है, तो आज मैं आया हूं और दिखाऊंगा कि ये लोली टैंक कैसे बनी हुई है, कैसी दिखती है, तो मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये 6 मोल्ड का जो है ये लोली टैंक है। इसमें दोस्तों बता दूँ कि ये जो है कंप्रेसर लगी हुई है 2 टन का, और ये आप देख सकते हैं ये कंडेंसर है। ये 18-24 इसकी साइज़ जो होती है, इसकी जो साइज़ होती है 18-24 की है साइज़ इसकी, और ये चार रोज में है। और मैं इधर से थोड़ा दिखाइए, ये दिखा दूं कि दोस्तों ये जो है ये जो है ड्रायर बोला जाता है, जो 3/8 की ड्रायर है। और मैं बता दूं कि दोस्तों ये मशीन जो है आपको जो है अगर परचेज करते हैं तो आपको जो है 1,05,000 समथिंग में आपको जो ये मशीन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं इधर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये मशीन जो है आपको 20 से 25 मिनट में 6 फरमा दे देगी। और रही बात है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो मशीन है इसका मैं फंक्शन बता दूं कि ये जो है कंप्रेसर यहाँ से जो है गैस डिस्चार्ज होती है, और यहाँ से जो है ये आती है इसमें कंडेंसर में, जो कि गैस का जो हीट को इसको बाहर कर देती है। उसके बाद यहाँ से आएगी ड्रायर से आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगी कैपिलरी से जो होते हुए ये है दोस्तों एवोपरेटर। इसको जो है कूलिंग कॉइल भी बोला जाता है, एवोपरेटर है। इसमें दोस्तों नमक पानी या बहुत सारे लोग जो है इसमें कैल्शियम का भी यूज करते हैं, तो इसमें जो है नमक पानी का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो कैल्शियम का भी यूज कर सकते हैं। इधर दिखाना चाहूँगा ये एजिटेटर, इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसका काम होता है जो भी इसके अंदर पानी होता है उस पानी को घुमाते रहने के लिए। तो इसके साइड में इसके नीचे जो है आप देख सकते हैं मोटर लगी हुई है, इसके नीचे मोटर लगी हुई है जो कि 1 HP की मोटर है। तो ये इस प्रकार दोस्तों ऐसे इस लोली टैंक की जो है बनावट होती है और इस प्रकार कार्य करती है। दोस्तों आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू करने के लिए आप चाहें तो इस मशीन को भी लेकर आप जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तमाम वो सारी कैंडी बना सकते हैं, ऑरेंज मैंगो लीची जो स्टिक वाली होती है वो सारी आइस कैंडी आप इसमें बना सकते हैं। आप इसे लगाकर रोज़ का 3,000 से 4,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं। और ये बता दूं दोस्तों, रही बात इसकी बिजली खपत की, तो दोस्तों ये जो है 2 टन का कंप्रेसर है। मात्र यूँ कहा जाए तो ये 1 AC के खर्चे में ये जो है प्लांट आपका चल जाएगा। और ये रही लोली टैंक। और उसके बाद दोस्तों अगर आप प्लांट को बड़ा करना चाहते हैं, कप वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक और मशीन लगती है हार्डनर। तो दोस्तों मैं दिखा दूँ कि ये जो है इसे दोस्तों हार्डनर बोला जाता है। ये मशीन जो है इसका काम होता है दोस्तों कप वगैरह आइसक्रीम वगैरह को हार्ड करने के लिए। मैं आइए पहले इसको अंदर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इधर दिखाइए दोस्तों। ये हार्डनर है, इसके अंदर ट्रे लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉपर कॉइल लगी हुई है जो कि ये कूलिंग करने के लिए काम आता है। इसमें जो है जो ठेला वगैरह होता है जो आइसक्रीम बेचने वाला, उसका जो पैड वगैरह होता है उसको चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों बता दूँ कि कंप्रेसर कंडेंसर सारा यूनिट लगता है, तो ये मशीन लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों जो है बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे एक डीप फ्रिज रखी हुई है। ये डीप फ्रिज अभी बन रही है, ये ग्लाइकोल वाली डीप फ्रिज है। ये 520 लीटर का डीप फ्रिज है। आप एक ये डीप फ्रिज लेकर जो है अपना फैक्ट्री जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि सीजनली है तो सीजनली, लेकिन आप इसमें अच्छा खासा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। चरनल मशीन है ये, इसको एक वर्ड में और बोलते हैं जी, बैच फ्रीजर। इसमें क्या काम होता है सर? इसमें आप जो भी
स्पॉन चम्मच आइटम जो भी है, कप से जो भी खाते हैं चम्मच से, जी जी, वो सारा आइटम इसमें बनना है, मतलब कि दूध का क्रीम सारा वगैरह इसी में बनना है। तो अगर आइसक्रीम बिजनेस चालू करना हो तो एक वो मशीन है कि ये एक ही है, ये दो लेनी है। हाँ जी, हाँ जी, तो इसी दो से सारी मशीनें बन, सारी आइसक्रीम बन जाएंगी, सारी आइसक्रीम बन जाएगी। और ये इसका प्राइस क्या पड़ेगा सर? इसका पड़ता है सर 95,000 ओनली 95,000 और आपके तरफ से आएंगे 10,000 डिस्काउंट। अच्छा, ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दें। बाकी कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक नया बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।